नगर निगम की सदन की बैठक के समापन के बाद महापौर सीताराम जायसवाल एवं पार्षदों की मौजूदगी में नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा लखनऊ एवं गाजियाबाद के तर्ज पर नगर निगम गोरखपुर को शासन की मंशा के अनुसार नगर निगम को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से HDFC बैंक के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया जाएगा, जिसका प्रेजेंटेशन HDFC बैंक के अधिकारियों से कराया गया। इसके अलावा नगर निगम की जो भी भूमि है उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आवासीय भवन के साथ ही अन्य योजनाओं को विकसित करने के साथ ही महानगर का चौमुखी विकास करने के उद्देश्य से बॉन्ड जारी करेगा, जिसके तहत PPP मॉडल से नगर निगम की बहुउद्देशीय योजनाएं तैयार कर नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाएंगे, जिसकी स्वीकृति सर्वसम्मति से सभी पार्षदों द्वारा प्रदान की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, जारी करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, किसलिए करेंगे, उसके बारे में श्री रंजीत जी दिल्ली से आए हुए हैं और ये आपको भी डिटेल लखनऊ में 200 करोड़ का इशू आया था और गाजियाबाद में 150 करोड़ का आया था। लखनऊ में जो 200 करोड़ का इशू आया था उत्तर भारत में पहला कौन इशू था, वह पहला रिकॉर्ड टाइम में आया लखनऊ में कि जो अपने बल पर जो है पैसे को मार्केट से रेस किया गया था। आप लोग कोई जानकर बड़ी खुशी होगी कि उत्तर भारत का सबसे पहला इशू आए और उसमें दूसरी मास्क था। उसके बाद प्रयास किया जा रहा है कि अन्य म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी जो है अपने इशू करें, ताकि गवर्नमेंट पे जो है हमारी जो डिपेंडेंस है कि हर काम के लिए, हर विकास कार्य के लिए अनुदान मांगना या कार्ड लेना, उसके बजाय अपने रिसोर्सेज से हम पैसा जनरेट करें, एक नए तरीके से पैसा जो है उठाया जाए ताकि विकास के कार्यों में कोई व्यवधान ना पड़े, कोई देरी ना। तो उसी संबंध में जो है ये हम आपको बताना चाहते हैं कि HDFC बैंक का क्या भूमिका है इसमें। तो ये देखिए हमने यहाँ लखनऊ गाजियाबाद और ये सब जो वाले कंपनियों में जहाँ जहाँ हमने उतना उनकी मदद करी है, कैसे ले जाना है टेक्निकल गाइडेंस और कैसे क्या फॉर्मेलिटी शुरू करनी है, क्या क्या पेपर्स करने हैं, कहाँ कहाँ जाना है, वो तो हमने गाइड करा। देखो छोटे के लखनऊ का एक गाजियाबाद का ग्रीन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ग्रीन बॉन्ड इशू था, ये हरियाणा के संबंधित जो है इको फ्रेंडली हो जाएगा, इसको ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। ये लखनऊ की हाईलाइट्स हैं कि लखनऊ में हमने क्या करा था। ये देखिए ये 200 करोड़ का इशू था, इसकी रेटिंग जो है डबल ए थी और उसका जो टेन्योर था 10 साल का, ये बॉन्ड 10 साल का है और ये बॉन्ड जैसे ही खुला बिल्डिंग में 2 मिनट के अंदर पूरा बॉन्ड का पैसा आ गया था। बॉन्ड में इंटरेस्ट ओवर सब्सक्रिप्शन आया था, गाजियाबाद का इशू है। गाजियाबाद जो है वो वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट देने को वहाँ लगा रहे हो कि पानी को जो है शुद्ध करके जो है कार्य सप्लाई करेंगे और इसका जो है इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पर जो है 150 करोड़ रुपए में 8-10 के हिस्से है। लखनऊ का प्रोजेक्ट क्या लखनऊ में जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, हाउसिंग और उनके पास अच्छा हाउसिंग फ्लैट बना रहे हैं जो हाउसिंग लखनऊ क्योंकि सर ऐसा था कि वाटर ट्रीटमेंट जो है ये कर रहे हैं, उसमें जो है वाटर को ट्रीट करके आगे बस्ती में सप्लाई कर रहे हैं और पाइप बना रहे हैं और मीटर लग रहे हैं, उससे मीटर एकदम फाइनेंशियल हाँ जी। इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट था तो उन्होंने मीटर से आपको जो है छोटे बीमा लेगा जितना आपको सप्लाई होगा पेमेंट पेमेंट ना होगा उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट होता है इंटरेस्ट और किस्तों का कैसे जो है इसको जो है अपना जो है अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी अपने किसी CA और किसी टेक्निकल एरिया में मदद से ताकि जो है जो आप जो कंपनी के आने वाले हैं उसमें क्या प्रोजेक्ट तैयार हो। दिशा में जो है हम कदम बढ़ा रहे हैं और इसलिए जो है कि कोशिश करी जा रही है सारे सब डिजिटली नगर निगम को स्वच्छ और भी होना है और अपने पैरों पर खड़े होकर जो है फंड्स को रेस कर सकें। इसके अलावा हम आपके जो है नगर निगम में जो टैक्स पेमेंट की सुविधा है उसको डिजिटल के द्वारा जो है इंटरेक्शन करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाए ताकि जो है आम नागरिक को जो है अपना टैक्स जमा करने में कोई दिक्कत ना आए। तो हमारी बैंक की ब्रांच 5,500-6,000 ब्रांचेज है, कहीं भी जाकर
नगर निगम की फाइनेंशियल मजबूती के लिए HDFC से MOU किया जा रहा है 200 करोड़ रुपए का, जिससे नगर निगम की जितने भी यहाँ भूमि है जो कमर्शियल है रेजिडेंशियल है उस पर निर्माण करके नगर निगम की आय बढ़ाई जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मंशा है कि हर स्थानीय इकाइयाँ अपने पैरों पर खड़ा हो, इंडिपेंडेंट हो, वो किसी सरकार पर बोझ नहीं बने, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम ज़्यादा जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे पाएंगे। इन सबों पर चर्चा हुई।